अयोध्या हर जगह फूलों की सजावट हो रही है, लोग भक्ति में भजनों में लीन है, ऐसा लगता है जैसे ये सच में देवलोक बन गया हो। हर जगह फूलों की जो है वो मालाएं लग रही हैं, फूलों से डेकोरेशन हो रहा है, हर जगह यज्ञ हो। हम भी अभी राम भद्राचार्य जी के वहाँ पे जो हनुमान यज्ञ सामूहिक यज्ञ कई हजार पंडित जो है यज्ञ कर रहे हैं वो उसमें हिस्सा लिया, भजन कीर्तन हर जगह चल रहा है, तो सब राममय हो गए हैं और एक तरह से एक ऐसा लगता है देवलोक में पहुंच गए हैं। अयोध्या हर जगह फूलों की सजावट हो रही है, लोग भक्ति में भजनों में लीन है, ऐसा लगता है जैसे ये सच में देवलोक बन गया हो। हर जगह फूलों की जो है वो मालाएं लग रही हैं, फूलों से डेकोरेशन हो रहा है, हर जगह यज्ञ हो। हम भी अभी राम भद्राचार्य जी के वहाँ पे जो हनुमान यज्ञ सामूहिक यज्ञ कई हजार पंडित जो है यज्ञ कर रहे हैं वो उसमें हिस्सा लिया, भजन कीर्तन हर जगह चल रहा है, तो सब राममय हो गए हैं और एक तरह से एक ऐसा लगता है देवलोक में पहुंच गए हैं। अयोध्या हर जगह फूलों की सजावट हो रही है, लोग भक्ति में भजनों में लीन है, ऐसा लगता है जैसे ये सच में देवलोक बन गया हो। हर जगह फूलों की जो है वो मालाएं लग रही हैं, फूलों से डेकोरेशन हो रहा है, हर जगह यज्ञ हो। हम भी अभी राम भद्राचार्य जी के वहाँ पे जो हनुमान यज्ञ सामूहिक यज्ञ कई हजार पंडित जो है यज्ञ कर रहे हैं वो उसमें हिस्सा लिया, भजन कीर्तन हर जगह चल रहा है, तो सब राममय हो गए हैं और एक तरह से एक ऐसा लगता है देवलोक में पहुंच गए हैं। अयोध्या हर जगह फूलों की सजावट हो रही है, लोग भक्ति में भजनों में लीन है, ऐसा लगता है जैसे ये सच में देवलोक बन गया हो। हर जगह फूलों की जो है वो मालाएं लग रही हैं, फूलों से डेकोरेशन हो रहा है, हर जगह यज्ञ हो। हम भी अभी राम भद्राचार्य जी के वहाँ पे जो हनुमान यज्ञ सामूहिक यज्ञ कई हजार पंडित जो है यज्ञ कर रहे हैं वो उसमें हिस्सा लिया, भजन कीर्तन हर जगह चल रहा है, तो सब राममय हो गए हैं और एक तरह से एक ऐसा लगता है देवलोक में पहुंच गए हैं। अयोध्या हर जगह फूलों की सजावट हो रही है, लोग भक्ति में भजनों में लीन है, ऐसा लगता है जैसे ये सच में देवलोक बन गया हो। हर जगह फूलों की जो है वो मालाएं लग रही हैं, फूलों से डेकोरेशन हो रहा है, हर जगह यज्ञ हो। हम भी अभी राम भद्राचार्य जी के वहाँ पे जो हनुमान यज्ञ सामूहिक यज्ञ कई हजार पंडित जो है यज्ञ कर रहे हैं वो उसमें हिस्सा लिया, भजन कीर्तन हर जगह चल रहा है, तो सब राममय हो गए हैं और एक तरह से एक ऐसा लगता है देवलोक में पहुंच गए हैं। अयोध्या हर जगह फूलों की सजावट हो रही है, लोग भक्ति में भजनों में लीन है, ऐसा लगता है जैसे ये सच में देवलोक बन गया हो। हर जगह फूलों की जो है वो मालाएं लग रही हैं, फूलों से डेकोरेशन हो रहा है, हर जगह यज्ञ हो। हम भी अभी राम भद्राचार्य जी के वहाँ पे जो हनुमान यज्ञ सामूहिक यज्ञ कई हजार पंडित जो है यज्ञ कर रहे हैं वो उसमें हिस्सा लिया, भजन कीर्तन हर जगह चल रहा है, तो सब राममय हो गए हैं और एक तरह से एक ऐसा लगता है देवलोक में पहुंच गए हैं। अयोध्या हर जगह फूलों की सजावट हो रही है, लोग भक्ति में भजनों में लीन है, ऐसा लगता है जैसे ये सच में देवलोक बन गया हो। हर जगह फूलों की जो है वो मालाएं लग रही हैं, फूलों से डेकोरेशन हो रहा है, हर जगह यज्ञ हो। हम भी अभी राम भद्राचार्य जी के वहाँ पे जो हनुमान यज्ञ सामूहिक यज्ञ कई हजार पंडित जो है यज्ञ कर रहे हैं वो उसमें हिस्सा लिया, भजन कीर्तन हर जगह चल रहा है, तो सब राममय हो गए हैं और एक तरह से एक ऐसा लगता है देवलोक में पहुंच गए हैं।